हेलो दोस्तों, रवीना टंडन की अपकमिंग मूवी पटना शुक्ला का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इस मूवी का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक ऐसे स्कैम को दुनिया के सामने लाना जिससे हजारों स्टूडेंट्स का करियर बनने से पहले ही तबाह होने की कगार पर पहुंच जाता है। इस पटना शुक्ला मूवी में रवीना टंडन हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक वकील तन्वी की भूमिका में हैं, जो अपने किरदार से हमें यह मैसेज देती हैं कि अगर एक औरत किसी काम को करने का मन बना ले तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि रवीना टंडन एक हाउसवाइफ हैं जो बेहद स्वादिष्ट खाना पकाती हैं। इसके अलावा उनकी दिलचस्पी वकालत करने में भी है, लेकिन उन्हें आज तक कोई बड़ा केस नहीं मिला है जिससे कि वह अपने प्रतिभा का परिचय दे सकें। उन्हें कभी कभार छोटा मोटा केस मिल जाता है, ज़्यादातर उन्हें एफिडेविट बनाने का ही काम मिलता है। लेकिन एक दिन उनके पास एक छात्रा आती है और बताती है कि मुझे बोर्ड परीक्षा में एक विषय में फेल कर दिया गया है, जबकि मेरी परीक्षा सही हुई थी और कम से कम उस सब्जेक्ट में मुझे 60% मार्क्स तो मिलना ही चाहिए था। मुझे अंदेशा है कि या तो परीक्षा में घोटाला हुआ है या मेरी सर्टिफिकेट के साथ छेड़छाड़ किया गया है, आप मेरा केस लड़िए। और फिर रवीना टंडन उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए उसका केस अपने हाथ में ले लेती हैं। इस दौरान उन्हें काफ़ी परेशानियों और धमकियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उनका घर ढहा दिया जाता है और उनके पति की नौकरी तक चली जाती है। फिर भी वो रुकती नहीं है और इस अन्याय के खिलाफ लड़ती रहती हैं। अब रवीना इस केस को जीत पाएंगी या नहीं, जिसके लिए आपको 29 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन यह पटना शुक्ला मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। धन्यवाद।